ICPF ऑनलाइन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में मालूम हो सके। प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन ऑफ ICPF ऑनलाइन एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड ऑफ आर न्यू वीडियोस। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने जिंदा खुदा का, जिसने हमें अपनी शबी पर बनाया, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद आप सब बहन भाइयों का, जो अपने काम का छोड़कर जिंदा खुदा के कदमों में आए, और यकीनन ये घाटे का सौदा नहीं है। और मैंने जो मेरे साथ एडिट थे सबको मैसेजेस किए, और उसमें दो खास पैगाम थे, नंबर वन मदर डे के हवाले से, और वो पाया तकमील को पहुंचा बड़ी खुश असलूबी के साथ। हम सीट पर वेलफेयर कमेटी के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से, हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की, हम खुदावन का शुक्र करते हैं। और एक और नुक्ता था जो मैंने शेयर किया था, जब मैं दुआ में बैठा हुआ था तो पाक रूह ने ये बोझ मेरे दिल में डाला। हो सकता है कि और कलीसियों ने भी ऐसा किया हो कि हम अपनी कौम की बेटी आसिया बीबी के लिए, जिसने तकरीबन 9-10 साल कैदो बंद के गुजारे, दुख तकलीफ में गुजारे, और उसके लिए हम शुक्र गुजारी करें। और ना सिर्फ उसके लिए शुक्र गुजारी करें बल्कि उन लोगों के लिए भी जो बिहाइंड द पिक्चर, पीछे रहकर उसको सपोर्ट करते रहे, और उनके लिए भी हम खुदा का शुक्र करें। और दो शख्सियतों का अगर मैं जिक्र ना करूं तो ये उनके लिए, उनके साथ ज्यादती होगी। नंबर वन सलमान तसीर, जो कि पंजाब के गवर्नर थे, वो उस खातून के पास गए, आसिया बीबी के पास गए, उसका दुख सुना, लेकिन कुछ लोग इसको बर्दाश्त ना कर सके, और जब उसने अपनी आवाज को बुलंद किया तो उसको हमेशा हमेशा की नींद सला दिया गया। उसके बाद शहबाज भट्टी ने उसके लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, उसको भी हमेशा की नींद सला दिया गया। शायद इन लोगों की नजर में तो ये सोचते होंगे कि उनका काम खत्म हो गया, लेकिन ये वो शहीद हैं जो खुदावंद के पास पहुंचे, तो हम खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं। ये मैं कोई इस इबादत को सियासी इबादत नहीं बनाना चाहता, मैं इसको प्योर रिलीजियस रूहानी इबादत रखना चाहता हूं। तकरीबन 47 साल की थी जब उसके ऊपर खेत में काम करते हुए पानी की वजह से तोहीने रसालत का केस उस पर बना, खत्म कर दिया गया, फिर उठाया गया, फिर उन्होंने अपील की, वो सारी बात तो आप जानते हैं। वो 5 बच्चों की मां है, इतने साल तक उन्होंने मां की जुदाई को बर्दाश्त किया, और जब उससे ये कहा गया कि हम इस केस को खत्म कर देते हैं, आप इस्लाम को कबूल कर लें, और उस पर ये बात या ये इल्जाम भी लगाया गया कि शी इज नॉट इन टू हर सेंसेस,
ही इज सफरिंग फ्रॉम डेमेंशिया, यानी उसका ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा। जो मेडिकल के लोग हैं वो समझते हैं डेमेंशिया क्या होता है, और ये इल्जाम लगाया गया। उसका हस्बैंड अदालत में ये दिलेरी के साथ बयान देता है कि मेरी बीवी को कोई ऐसी नफसियाती बीमारी नहीं है, वो एक दिलेर मसीही खातून है और वो अपने ईमान की खातर जान तो दे देगी लेकिन किसी गैर मजहब के सामने अपना सर नहीं झुकाएगी। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा का है, खुदा के जलाल के लिए। जब वेटिकन के पोप के साथ उसके हस्बैंड की बात हुई तो उस वक्त भी उसने यही बयान दिया। कितने लोग हैं जब उन पे मुसीबत आती है तो वो मुसीबत के वक्त जो है ईमान की रस्सी को ना थामते हुए खुदा के मुनकर हो जाते हैं, मुनकर खुदा हो जाते हैं। तो खुदामंद खुदा का हम शुक्र करते हैं कि कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप के इस प्लेटफॉर्म से खुदा ने हमें ये बोझ दिया कि हम अपनी मसीह बहन माँ कौम की बेटी आसिया बीबी के लिए, जिसने बहुत दुख उठाया एक छोटी सी कोठड़ी के अंदर इतने साल बंद रहना और भूख और प्यास बर्दाश्त करना, बहुत सारी बातों का उसने सामना किया लेकिन आखिरी दम तक अपने ईमान पर डटी रही और हमारे यीशु ने उसका जवाब दिया। हालेलुया, प्रेज़ जाहो परे की। हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं ऐसी बेटियों के लिए, ऐसी माओं के लिए। और उन जस्टिस चीफ जस्टिस के लिए और बाकी जो तीन जस्टिस जो उसके साथ बैठे हुए थे जिन्होंने उनकी रिहाई का फैसला सुनाया, वो उनकी जानों को भी कहा गया कि इनको भी हम खत्म कर देंगे। उन तीनों जो जो चीफ जस्टिस के साथ जो थे मजिस्ट्रेट या इंसाफ करने वाले थे उनके लिए भी हम तालियां बजाएं, उन जस्टिस के लिए हालेलुया कि उन्होंने सच्चाई का इंसाफ दिया। तो लिहाजा इससे क्या साबित होता है कि इस केस की कोई बुनियाद नहीं थी, अगर होती तो अदालत उसे आजाद ना करती। अदालत ने यह साबित कर दिया कि वो क्या है, बेगुनाह है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जाओ परे की। तो ये चंद बातें मैं ये शेयर करना चाहता था कि हम आसिया बीबी के हवाले से ये बात अबादत हमने मनक्कत की, माओ के लिए मनक्कत की। वैसे हमारी हर फ्राइडे को अबादत होती है और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहता हूं कि हमारी अबादत ठीक 7 बजे होती है और हम इंतजार नहीं करते, भले 2 बंदे हो या 3 हो, क्योंकि खुदा को जब हम टाइम देते हैं तो वो अपने वक्त पर आ जाता है, सही या गलत है। तो हम खुदा को इंतजार करवाते हैं। जब किसी जगह पे हमने इंटरव्यू देना होता है तो हम खुद इंतजार करते हैं कि बॉस कब आएगा। जब ट्रेन पे जाना हो, जहाज पे जाना हो, तो जरा अंदाजा लगाएं कि हमारी मोहब्बत खुदा के लिए क्या है। इसका जवाब आप खुद अपने आप को दें। खुदा चाहता है कि पहला घंटा हम खुदा को दें, ये बाइबल कहती है। खुदा को पहले फल खुदा को हम दें, अपनी जवानी की जिंदगी खुदा को हम दें। ये नहीं कि जब इंसान बूढ़ा हो गया तो फिर जो है हम इबादत की तरफ आए।
जुवानी में मुबारक है वो जवान जो जुवानी में खुदा को याद करते हैं। तो खुदामन खुदा आज ये चाहता है कि मैं और आप इंटर डिनोमिनेशनल कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप को याद रखें, उसको खिदमत को याद रखें।